हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी पुराने ईयरफोन को खाली माइक में कन्वर्ट करके अपने वीडियोस की जो साउंड क्वालिटी है उसको बेहतर बना सकते हैं। हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलते रहिए। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको चाहिए एक अपना एक पुराना ईयरफोन, एक कैचर, एक सीजर और एक नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए एक स्पंज होता है इस टाइप का। वैसे मेरे पास वो अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपके पास होगा तो जो पुराने हेडफोन्स पे होता लगा होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वक्त डेमो दिखाने के लिए आपको मैंने ये लगाया है, ठीक है। चलो गाइस, जो भी कोई पुराना हेड ईयरफोन होता है 90% केस में जो उसके जो ईयरपॉड्स होते हैं वो ख़राब होते हैं, जबकि जो माइक होती है वो अच्छे से काम करती है। इसलिए जो हमारे पास इस वक्त ये सैमसंग का ओरिजिनल ईयरफोन है हम इसको यूज़ करके माइक में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे इसके जो ईयरफोन्स हैं ईयरपॉड्स ये तो ख़राब हो चुके हैं, इसलिए हम इनको काट देंगे यहाँ से। अब देखिए गाइस, जो हमारे पास बचा है वो इस ईयरफोन की माइक है। हम इसमें एक कैचर लगा देंगे नीचे से। तो गाइस, हमने इसमें कैचर लगा दिए हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो ये क्लिप करने में इजी रहेगा। अब यहाँ पे इसको क्लिप करके लगा सकते हैं, जो आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग होगी वो बिल्कुल क्लियर आएगी, क्योंकि आपके जो जो मुंह के क्लोज रहेगा ये। उसके बाद आप इसमें एक और चीज़ लगा सकते हैं, मेरे पास जो है ये अच्छा खासा नहीं है, आप अपने किसी भी पुराने हेडफोन से निकाल के इसमें लगा सकते हैं। इससे जो आपकी जो एक्सटर्नल नॉइज़ होगी वो रिड्यूस होगी। मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ इस पर, लाइक दिस, जो इसकी जो माइक का एरिया होगा उस पर आप इसको लगा के छोड़ सकते हैं। और देखिए गाइस, जो हमारी माइक है वो रेडी है। देखिए ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको अब इसका डेमो ट्रेल दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे रिकॉर्ड करेगा इसके साथ। आप देखिए, इस वक्त मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये अपने जो हमने अभी बनाया है माइक अपने पुराने ईयरफोन से, जो कि ख़राब हो चुका था, बिल्कुल यूज़लेस था। और आप सुन रहे होंगे कि इस वक्त जो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो जो इससे पहले जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे फ़ोन के एक्सटर्नल जो माइक थी उसे रिकॉर्ड कर रहे थे हम, इस टाइम हम हेडसेट से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे खुद ही और सुन भी रहे होंगे कि जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो क्लियर है या नहीं है। जो नॉइज़ पुराने वाली वीडियो में है, हम जो इस वीडियो को अपलोड करेंगे बिल्कुल बिना किसी एडिटिंग के करेंगे, जो आपको नॉइज़ होगी वो बिल्कुल क्लियर कट मिलेगी, जैसे नॉइज़ ओरिजिनल नॉइज़ जो थी वो आपको इसके साथ मिलेगी। और आपको इस वक्त डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि जो हमारी एक्सटर्नल माइक की नॉइज़ थी और इसमें कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गाइस, हमने इसी के साथ अपने पुरानी ईयरफोन से अपनी जो रिकॉर्डिंग माइक है वो हमने बनाई। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि जो इसकी साउंड क्वालिटी थी वो अच्छी थी या नहीं थी। वैसे डिपेंड करता है कि आपकी जो माइक होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका जो साउंड होगा वो रिकॉर्ड होगा। और ईयरफोन काफ़ी पुराना है, 3-4 साल पुराना ईयरफोन है, तो जो इसकी जो माइक जो उसकी जो साउंड क्वालिटी होगी मे भी ख़राब भी होगी। लेकिन आप देखिए कि आपके पास जो ईयरफोन होगा उसकी साउंड क्वालिटी जो है वो कैसी रहेगी रिकॉर्ड करने की। आप इसको अपने ब्लॉग्स के वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।